अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम आपको पॉलीनॉमियल का इंट्रोडक्शन देंगे कि पॉलीनॉमियल होता क्या है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलीनॉमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। द वर्ड इज पॉली, इट मीन मैनी। पॉली मीन मैनी एंड देन नॉमियल मीन स्टूडेंट्स टर्म या पार्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम पॉलीनॉमियल की अगर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पावर्स ओनली फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड द पॉलीनॉमियल। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम थोड़ी सी ताकि आपको सही से क्लियर हो। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस in which variables have power only from set of whole number, ठीक है। whole number is called polynomial। जी स्टूडेंट, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स दिए गए होते हैं और एक्स वाई जेड्स वगैरह उनकी जो पावर्स है वो हम उसकी जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। पावर जो है स्टूडेंट याद रखें, जो आपके पास पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। एंड देन सेकेंड क्या होना चाहिए हमारे पास, पावर जो है हमारी होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन फाइनाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और हमेशा होल नंबर्स में होनी चाहिए। अब हम आपको कुछ एग्जांपल देके बताते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस कितनी भी टर्म हो, 1 हो 2 हो 3 हो, उन तमाम के अंदर जो एक्स की पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये हमारे पास जो एल्जेब्रिक टर्म है, ये वेरिएबल है, ये ए जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट है और ये भी हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट टर्म है। अब हमारे पास बी जो है ये मल्टीपल है एक्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स देके मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है जो टर्म दी गई है क्या वो पॉलीनॉमियल है कि वो पॉलीनॉमियल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर अब मैं कह दूँ जी x3 x³ + 1 है। अब आप देखें हमारे पास क्या ये पॉलीनॉमियल है कि नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म है 1। अब देखें कि x3 है। अब आपको पता है ये 3 जो है हमारे पास दी गई जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो हम कह देंगे जी ये हमारे पास जो है पॉलीनॉमियल है। अच्छा, अब एक और देखें हमारे पास जैसे x + 1 है, तो हमारे पास देखें ये 1 है, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, 1 होल नंबर है, ये भी हमारे पास पॉलीनॉमियल है। अच्छा, ये 1/x देखें अगर इस तरह है, अगर आप देखें ये जब हम इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो ये हो जाएगा -1, पावर ऊपर चली जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव होल नंबर, तो कुछ भी हो जाए वो पॉलीनॉमियल नहीं होता, ओनली पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दी गई जो एल्जेब्रिक टर्म्स हों जैसे एक्स वाई एंड जेड हैं, अगर वो उसकी पावर पॉजिटिव है तो वो पॉलीनॉमियल है, अदरवाइज पॉलीनॉमियल नहीं है। अच्छा, एक और देखें अगर ये इस तरह x² ± 1 है, अभी कैसे होगा इसको भी हम करके देखते हैं। जैसे ये x² है और इसको मैं पॉजिटिव कर दूँगी स्टूडेंट्स तो ये पावर पूरी ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो -1 ये भी पॉलीनॉमियल नहीं है। सॉरी, मैंने यहाँ टिक लगा दिया, ये पॉलीनॉमियल नहीं है। अच्छा, एक और देख लेते हैं। जैसे ये अंडर रूट हमारे पास x है। अब आपको पता होता है कि अंडर रूट x का क्या मतलब होता है, x की पावर यहाँ हो जाएगा 1/2, तो हम कह देंगे x⁻¹/2, 1/2 इसी तरह है। अब जो हमारे पास हाफ है ये स्टूडेंट्स 1/2, इसका मीन होता है 0.5, ऐसे ही है। 0.5 जो हमारा डेसिमल नंबर है, तो ये भी हमारे पास पॉलीनॉमियल नहीं है। अच्छा, एक और देखते हैं स्टूडेंट, एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे पास ये z की पावर, कोई भी हमारे पास ये देखिए z की पावर 3 है, ये बताएं होल नंबर है पावर, ये जी ये होल नंबर है बिल्कुल, तो ये भी हमारे पास पॉलीनॉमियल है। अच्छा कुछ मैं टर्म्स में बताती हूँ, कुछ इक्वेशंस करके बताती हूँ, आप उसमें बताएंगे मुझे ये पॉलिनोमियल इस तरह टर्म्स आ जाएंगी तो आप किस तरह पहचानेंगे कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये फर्स्ट वाला है, इसकी पावर क्या है हमारे पास 3 है, पॉजिटिव 3 है। इसकी पावर क्या है हमारे पास, जो एक्स दिया गया, जो वेरिएबल दिया गया है, जो अलजेब्रिक टर्म दी गई है, इसकी पावर है 1। और जो 1 दिया गया है ये तो बराबर है 0 के। ये 0 कैसे, आपको पता है स्टूडेंट, जब हमारे पास x 0 होता है, x की पावर जब हमारे पास 0 हो जाती है तो वो बराबर होता है 1 के। ये आप पहले के एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जब मैंने आपको 2 चैप्टर कराया था, मैंने बड़ा डिटेल्स में समझाया था आपको ये, ठीक है। तो ये बराबर हो जाता है 1 के, आप सबको पता है। अब देखें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉलिनोमियल है। अगर दिए गए टर्म्स में से कोई एक भी टर्म्स की जो पावर है वो नेगेटिव होगी या डेसिमल हो, रैशनल नंबर हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल है। एक और कर लेते हैं, x4 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 1, ये भी 3 टर्म्स हैं। देखिए इसकी पावर 4 है, इसकी पावर -2 है, ये 1 की पावर 0 है। अब बताएं क्या ये हमारे पास इसके अंदर से स्टूडेंट्स -2 है, तो -2 तो होता ही नहीं है। कोई इन सब में से कोई एक भी अगर नेगेटिव आ रही होगी या डेसिमल में होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। बस याद रखना है आपने ये चीज़, x² प्लस एक्स की पावर हाफ लगा लें 4x एंड -1 लगा लेते हैं। इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 0.5 और इसकी 1 और इसका है 0, ऐसे ही है। अच्छा अब ये जो है हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, डेसिमल नंबर, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमारे पास ये वाला एक जो है ये पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल नेगेटिव होगा या रैशनल नंबर या डेसिमल नंबर में होगा, तभी पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उसमें जो वेरिएबल्स दिए गए होंगे, अगर उसकी पावर होल नंबर में होगी तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ साथ स्टूडेंट बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं, जब तक नई वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।